खरगोन में ईद उल अज़हा के अवसर पर स्थानीय ईदगाह और शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर सहित पूरे देश में अमन, चैन, भाईचारा और तरक्की की दुआ भी की गई। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह पर नमाज अदा नहीं करवा रहे थे। आज शहर में कुर्बानी के इस त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम थे। खरगोन में पिछले दिनों तनाव हिंसा के चलते प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया था। कारी लुकमान साहब ने नमाज के दौरान अमन, शांति, भाईचारे और कोरोना महामारी से शहर और देश से मुक्त होने की दुआ की। मुख्य त्यौहार पर नमाज अदा करने के बाद शहर के सदर अल्ताफ आज़ाद ने सभी को ईद की मुबारकबाद और शुभकामना देते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका का व्यवस्था को लेकर आभार माना है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों पर कलम आफ फेर दीजिए। ए अल्लाह, ये हमारे गुनाहों की सजा दीजिए। ए अल्लाह, अमालुकुम मालुकुम, तुम्हारे अमालों ही। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की पूरे शहरवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करती है जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन। साथ ही कोविड और वक्त के हालात के कारण 3 साल बाद मालिक ने, अल्लाह ने यह मौका अता फरमाया कि हमने ईदगाह में हमारी नमाज अदा की। हम नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे शहरवासियों को एक बार फिर से ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। किस तरह की दुआएं की आपने देश से, देश और शहर के लिए? पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन के लिए एवं शहर में अमन चैन, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए कारी साहब ने दुआएं ईद उल अज़हा की नमाज के बाद की है और पूरे शहर में अमन अमान हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, साथ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान पेश हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, इसी के लिए कारी साहब ने नमाज के बाद दुआ अदा की। क्या नाम है आपका? अल्ताफ आजाद, सदर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।